पहले तो बेंटन की सीरीज में हम लोग ने खाली क्लासिक प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स को देखा था, बट जैसे जैसे सीरीज बढ़े बाद में हमें बहुत सारे न्यू ओमनीट्रिक्स देखने को मिली, और काफी सारी तो ऐसी ओमनीट्रिक्स थी जो कि अल्टरनेट टाइमलाइंस की थी। और इतनी सारी पावरफुल ओमनीट्रिक्स को देखने के बाद बेंटन फैंस के मन में ये तो क्वेश्चन आया ही होगा कि आखिर इन सभी ओमनीट्रिक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल ओमनीट्रिक्स कौन सी है। तो इसीलिए आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग रैंक करेंगे सभी ओमनीट्रिक्स को, और इस वीडियो में जो जो ओमनीट्रिक्स सभी को अपने हिसाब से रैंक दिया है, जो मुझे लगा था कि इस पोजीशन को डिजर्व करता है मैंने उस ओमनीट्रिक्स को उतने ही रैंक दिए हैं। तो जल्दी जाओ आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दो और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर 10 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जो ओमनीट्रिक्स है वो है क्लासिक प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स। बेंटन सीरीज की सबसे पहली ओमनीट्रिक्स जो कि हमें बेंटन क्लासिक में दिखाई गई थी वो थी हमारी प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स, जिस ओमनीट्रिक्स में हमने देखा था कि बेन के पास 10 एलियन की प्लेलिस्ट थी और बेन अपने प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स को यूज करके 10 मिनट किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म रह सकता था। और जो प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स है ये बेंटन सीरीज की सबसे ज्यादा मेन ओमनीट्रिक्स में से एक ओमनीट्रिक्स है, क्योंकि यार इसकी वजह से ही बेंटन शो इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू हुआ था और उसकी वजह से ही बहुत सारी सीरीज बनी थी। बट फिर भी ये ओमनीट्रिक्स इतनी कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए 10th नंबर में मुझे इस ओमनीट्रिक्स को रखना पड़ा। तो नंबर 9 पे जो ओमनीट्रिक्स है वो हीरो वॉच। अब जो हीरो वॉच है ये अपने प्राइम टाइमलाइन के बेंटेंसन की नहीं, ये हमारे एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बेंटेंसन की, जो कि डायमेंशन 23 का बेंटेंसन। अब जो हीरो वॉच है उसकी जो लुक्स है वो काफी सिमिलर है हमारी प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स से, बस खाली लुक्स में ही ये दोनों सिमिलर है, बाकी अंदर से जो हीरो वॉच है वो काफी डिफरेंट है, जिसमें हमने काफी मल्टीपल एलियंस तो देखे ही है और साथ ही में हमने उस वाले ओमनीट्रिक्स में बेंटेंसन के एलियन फोर्स वाले भी एलियंस को देखा है और उसके ओमनीवर्स वाले एलियंस को भी हीरो वॉच में देखा है। और शायद आप लोगों ने अगर ये चीज को नोटिस किया होगा तो सही है। अब जो हीरो वॉच है वो अपने यूजर को ज्यादातर गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं करती, वो हमेशा राइट एलियन में ही हमने देखा है कि ट्रांसफॉर्म करती है अपने यूजर को। और जो नंबर 8 में ओमनीट्रिक्स है वो है हमारी एलियन फोर्स वाली ओमनीट्रिक्स, जो कि एक रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स है, और इस ओमनीट्रिक्स में 10 न्यू एलियन की प्लेलिस्ट देखने को मिला था बेंटन एलियन फोर्स में। अब जो एलियन फोर्स वाली रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स, इसका जो डिजाइन है ये पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट ओमनीट्रिक्स में से भी एक ओमनीट्रिक्स है। अब ये जो हमारी रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स, इसका आउटर स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा अलग है प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स है, पर जो इसका इनर स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो बहुत सारे सिमिलर है हमारे प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स से। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारी ओमनीट्रिक्स है इसमें हमें कुछ ज्यादा एडवांस मोड्स तो नहीं दिखाए हैं अदर ओमनीट्रिक्स से कंपैरिजन में, जो कि इसके ऊपर के पोजीशन में है, और इसी रीजन की वजह से ये जो ओमनीट्रिक्स है वो नंबर 8 की पोजीशन को डिजर्व कर पाई है। तो जो हमारी 7th नंबर की वॉच है वो है अल्टीमेट्रिक्स। अब जो अल्टीमेट्रिक्स हमें फर्स्ट एक ऐसी वॉच देखने को मिली थी जो अपने यूजर को अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करती है, और जो अल्टीमेट्रिक्स यूजर है वो अल्टीमेट्रिक्स की हेल्प से इजीली किसी भी एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है। हाँ, किसी भी एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में। और जो इसका एवोल्यूशनरी फंक्शन है, इस फंक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों का अल्टीमेट्रिक्स फेवरेट ओमनीट्रिक्स है। हाँ, पर्सनली मुझे भी एवोल्यूशनरी फंक्शन बहुत ज्यादा ही पसंद है, बट इतनी ज्यादा ओवर पावरफुल ओमनीट्रिक्स होने के बाद भी ये ओमनीट्रिक्स को हमें काफी कम एपिसोड में तो दिखाया ही है, और ये ओमनीट्रिक्स ने नीचे के पोजीशन में इसलिए बिकॉज ये फुल्ली कम्प्लीटेड नहीं थी। अब ये जो ओमनीट्रिक्स अगर फुल्ली कम्प्लीटेड होती तो श्योर हूं मैं इस बात से कि ये काफी ऊपर की पोजीशन डिजर्व करती, बट इसके फुल्ली ना कम्प्लीट होने की वजह से ये ओमनीट्रिक्स नंबर 7th के पोजीशन पे है। हाँ, तो नंबर 6th पे जो ओमनीट्रिक्स है वो है हमारी ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स। अब ये एक फर्स्ट ऐसी ओमनीट्रिक्स है जो कि फुल्ली कम्प्लीटेड हुई थी, जिसमें हमें किसी भी तरीके का फॉल्ट देखने को नहीं मिला। अब देखो, जो इससे रिलेटेड काफी सारी ओमनीट्रिक्स थी जैसे नेगाट्रिक्स और मैडमैन की ओमनीट्रिक्स, वो सब इससे सिमिलर थी, इसलिए मैंने उनको अलग मतलब रैंक में नहीं रखा, उनको भी मैं इसी रैंक में कवर कर दे रहा हूँ। तो बाद में ये मत बोलना कि भाई तूने नेगाबैन की ओमनीट्रिक्स को नहीं लिया या मैडमैन की ओमनीट्रिक्स। अब देखो, ये जो ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स ये फुल्ली कम्प्लीटेड ओमनीट्रिक्स है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट ये ओमनीट्रिक्स में बहुत सारे ऐसे न्यू और अमेजिंग फीचर्स है, जिनमें हमें काफी सारे ऐसे फीचर्स है जिनको एपिसोड में तो दिखाया है, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिनको वो लोग एपिसोड में हाईलाइट नहीं कर पाए। मतलब जो ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स है उसके पूरे फीचर अभी तक रिवील भी नहीं हुए हैं कि आखिर इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये क्या क्या यूज में आ सकती है। बट अगर आप लोग को जानना है कि ओमनीवर्स ओमनीट्रिक्स में क्या क्या फीचर है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को बताया है, पर हाँ, इस वीडियो के बाद उस वीडियो में जाना, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो हमारी 5th नंबर की ओमनीट्रिक्स है वो है मैडमैन की पावर वॉच। हाँ, मैंने नेगाबैन और बैडमैन की ओमनीट्रिक्स को लिया था, पर मैडमैन की जो ओमनीट्रिक्स है वो प्राइम बैन की ओमनीट्रिक्स से थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। वेट, एक्सप्लेन करता हूँ क्या कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या मेरा रीजन है ये कहने का। अब अगर आप लोग मैडमैन की पावर वॉच का अगर आउटर स्ट्रक्चर ही देखोगे तो हम लोग को जितनी भी ओमनीट्रिक्स थी सभी से काफी डिफरेंट देखने को मिली है। अब मैंने ये बैन को इसके ऊपर के रैंक में इसलिए भी एक रखा है बिकॉज ये जो ओमनीट्रिक्स है इसमें जितने भी हमने इस टाइप वाली ओमनीट्रिक्स देखी सबसे ज्यादा एलियन के डीएनए इसके ही ओमनीट्रिक्स में। अब जो अपना प्राइम टाइमलाइन का
बेंटिंसन उसके पास खाली मिल्की वे गैलेक्सी के एलियंस के डीएनए और कुछ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ही एलियंस के डीएनए, बट जो हमारा मैट बेन है इसके पास सारे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस के डीएनए है। जिन एलियन में कभी भी आज तक बेंटिंसन ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है उन सारे एलियंस का डीएनए मैट बेन की ऑमेट्रिक्स में। और एक और स्पेशल चीज की जो मैट बेन की पावर वॉच है वो उसको कभी भी रॉन्ग एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, हमेशा ही पावर वॉच उसको करेक्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म करती है। और यही कुछ स्पेशल रीजन की वजह से पावर वॉच नंबर 5th की पोजीशन को डिजर्व करती है। तो बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर की ओमनीट्रिक्स के ऊपर। तो ये जो ओमनीट्रिक्स है ये हमारे बेन 10,000 की ओमनीट्रिक्स है। अब आप में से सब लोग ने बेन 10 क्लासिक में क्लासिक वाले बेन 10,000 को देखा होगा जिसके पास एक ओमनीट्रिक्स थी जो कि हमारी प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स की एक अपडेटेड वर्जन आप लोग कह सकते हो, मतलब उस ओमनीट्रिक्स से काफी सिमिलर थी पर उसके अपडेटेड वर्जन थी। पर ये जो ओमनीट्रिक्स थी इसमें बहुत सारे न्यू मोड्स थे एज कम्पेयर हमारी प्रोटोटाइप वाली ओमनीट्रिक्स। और प्लस ये जो ओमनीट्रिक्स इसमें ओमनीवर्स वाले भी बहुत सारे एलियंस थे जैसे ग्रेविटेक एटॉमिक जैसे जो एलियंस थे वो इस ओमनीट्रिक्स में अवेलेबल है। पर यार फिर भी इतनी ज्यादा पावरफुल ओमनीट्रिक्स प्लस इसे मास्टर कंट्रोल ऑन होने के बाद भी ये ओमनीट्रिक्स भी नंबर 4th के पोजीशन पे है। तो समझो यार नंबर 3 नंबर 2 और नंबर 1 पे बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल ओमनीट्रिक्स होने वाली है। तो बढ़ते हमारी 3rd नंबर की ओवर पावरफुल ओमनीट्रिक्स के ऊपर जो की रिबूट ओमनीट्रिक्स। अब जिन भी लोगों को लगा हो कि आखिर मैंने रिबूट ओमनीट्रिक्स को क्यों लिया वो तो काफी ज्यादा सिंपल सी ओमनीट्रिक्स है, तो नहीं भाई ये सिंपल ओमनीट्रिक्स नहीं है, ये काफी एडवांस ओमनीट्रिक्स है जिसमें यार अभी तक मैंने नीचे जितने भी ओमनीट्रिक्स बताया उन सभी को टक्कर देने की पावर है। बस यही रीजन है कि रिबूट ओमनीट्रिक्स को हमने अच्छे से समझा नहीं है। पर जितना मैंने रिबूट ओमनीट्रिक्स को एनालाइज किया उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा रिबूट ओमनीट्रिक्स नंबर 3rd पोजीशन डिजर्व करती है। वेट, अब जो रिबूट ओमनीट्रिक्स है वो सभी ओमनीट्रिक्स से एक एडवांस ओमनीट्रिक्स है जिसमें बहुत सारे न्यू एंड यूनिक फीचर्स भी देखने को हमें मिले हैं। जैसे कि रिबूट ओमनीट्रिक्स में हम लोग पैटर्न बना के एलियंस के डीएनए को अनलॉक कर सकते हैं। हां आप लोग ने बेन को भी देखा होगा कि वो पैटर्न बना के न्यू एलियंस को अनलॉक करता है और उनमें ट्रांसफॉर्म होता है और पैटर्न बना के वो किसी भी एलियंस को अनलॉक कर सकता है। अब ये बात बेन को भी नहीं पता होता कि आखिर वो पैटर्न बना रहा है इससे कौन सा एलियन अनलॉक होगा, बस वो पैटर्न बनाता है और उससे हमें एक न्यू एलियन देखने को मिलता है जो कि इसके पहले बताई हुई किसी भी ओमनीट्रिक्स में ये फंक्शन नहीं है। और सबसे ज्यादा मेन फीचर जो इसमें है कि हम लोग ओमनीट्रिक्स की मदद से काफी सारे फॉर्म्स को अनलॉक कर सकते हैं, जैसे बेन ने अनलॉक किया था ओमनीकिड्स फॉर्म और ओमनीनॉट फॉर्म। अब जो ओमनीकिड्स फॉर्म और ओमनीनॉट फॉर्म में हमने देखा है कि बेंटिंसन के एलियंस के बाद रोबोटिक आर्मर आ जाता है और उन आर्मर की वजह से बेंटिंसन पहले तो पावरफुल था ही उससे और पावरफुल हो जाता है। यार समझे यार रिबूट वाली ओमनीट्रिक्स कितनी पावरफुल है और अभी तक इसके हमें सारे फंक्शंस को भी रिवील नहीं किया गया है और ओमनीट्रिक्स की का परफेक्ट यूज अभी तक हमें नहीं पता चला है कि आगे क्या क्या ओमनीट्रिक्स की कर सकती है। बट इतनी सारी पावर्स जानने के बाद भी ये जो ओमनीट्रिक्स है नंबर 3rd की पोजीशन में डिजर्व करती है। अब मैं इस बात से श्योर हूं कि अगर इसके हमें और काफी सारे फंक्शंस पता चलते तो ये जो ओमनीट्रिक्स है वो नंबर 1 की पोजीशन में भी आ सकती थी, इस ओमनीट्रिक्स में इतनी कैपेबिलिटी है। तो जो नंबर 2nd पे ओमनीट्रिक्स है वो है बायोमेट्रिक्स। नो डाउट मैंने बायोमेट्रिक्स को नंबर 2nd पे क्यों रखा क्योंकि इसमें 1st तो मास्टर कंट्रोल ऑन है और 2nd जो सबसे ज्यादा मेन फीचर है कि ये ओमनीट्रिक्स अभी तक में एक ऐसी ओमनीट्रिक्स है वो अपने यूजर को एक फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसके बाद 50% एक एलियन की पावर होती है 50% दूसरे एलियन की पावर होती है। और जो बेन है वो बायोमेट्रिक्स के हेल्प से किसी भी एलियन के फ्यूजन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है चाहे वो कोई भी एलियन हो। अब जो बायोमेट्रिक्स है उसको हमें बहुत ही कम एपिसोड में दिखाया गया है इस वजह से बायोमेट्रिक्स के भी हमें ऑल फंक्शंस के बारे में तो नहीं पता है और मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बायोमेट्रिक्स उसमें कुछ ज्यादा वीकनेस होंगे। और जो बायोमेट्रिक्स है वो अभी तक की जितनी भी ओमनीट्रिक्स है सबसे ज्यादा लाइटर ओमनीट्रिक्स है जो कि दो गॉडलेट जैसे दिखती है और ये सबसे हल्की ओमनीट्रिक्स है। यार बाकी सब हमने जितने भी ओमनीट्रिक्स देखा है वो सारी इससे थोड़ी तो बल्कि ही है। अब बढ़ते हमारी 1st नंबर की ओमनीट्रिक्स के ऊपर जो कि मुझे वन ऑफ दी सबसे पावरफुल ओमनीट्रिक्स लगती है वो है हमारी बेन 10,000 की अल्टीमेट्रिक्स। हाँ मैं इस वाले जो अल्टीमेट्रिक्स है इसको मैं बेन 10,000 के पास दिखाया गया है। अब मैंने इस ओमनीट्रिक्स को नंबर 1 पे इसलिए रखा बिकॉज इस ओमनीट्रिक्स में बिल्कुल भी एक भी फॉल्ट नहीं है। फर्स्ट जो इसका डिजाइन है वो हमारी एलियन फोर्स वाली जो रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स है उससे बहुत हद तक सिमिलर है। अगर आप एक बार में देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये रिकैलिब्रेटेड ही ओमनीट्रिक्स है बट ये एक्चुअल में एक अल्टीमेट्रिक्स है। 2nd की अपने एलियंस को एवोल्यूशनरी फंक्शन की मदद से उनके अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब ये वाला जो बेंटिसन है किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है और ये वाले बेन में एक यूनिक चीज हमने ये देखा था कि ये किसी भी एलियन में बिना ट्रांसफॉर्म हुए उनकी पावर्स को यूज कर
सकता है, मतलब उनकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन में बिना जाए। और जो बेन 10,000 है वो डायरेक्टली किसी भी अल्टीमेट फॉर्म में भी जा सकता, मतलब ऐसा नहीं कि उसको अगर अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना है तो पहले वो ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा उसके बाद अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में, वो डायरेक्टली अल्टीमेट ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि हमें जो अल्टीमेट बेन है जिसके पास ये अल्टीमेट देखने को मिली, उसको अभी तक बेन 10 की पूरी सीरीज में खाली एक बार ही दिखाया गया है, इसलिए हमें इस वाले अल्टीमेट से कुछ हिडन और न्यू एबिलिटीज के बारे में पता नहीं चल पाया। बट जितनी भी एबिलिटीज इस अल्टीमेट्रिक्स के बारे में पता चला उसको एनालाइज करने के बाद ये जो अल्टीमेट्रिक्स है वो नंबर 1 की ही पोजीशन डिजर्व करती थी, इसलिए मैंने नंबर 1 पे इसको रखा। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो जिसे मैंने सारी ऑमेट्रिक्स को रैंक कर दिया। और हाँ, एक और बार मैं इस चीज को रिपीट कर दूं कि ये जो लिस्ट मैंने आप लोगों को मैंने अपने हिसाब से बनाया था, मैंने सभी कुछ एनालाइज किया और सभी कुछ को चेक करके मुझे जो लगा कि ऑमेट्रिक्स को जिस रैंक में रखना चाहिए मैंने उस ऑमेट्रिक्स को उस रैंक में रखा। तो अगर आप लोग मेरे लिस्ट से अगर एग्री नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे कौन से ऑमेट्रिक्स को किस में रखना चाहिए, और हाँ रीजन ही बताना कि क्यों मुझे रखना चाहिए था। तो अगर आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो और बेन 10 की और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोग मुझे ये कमेंट करो कि आपकी इनमें से कौन सी ऑमेट्रिक्स फेवरेट ऑमेट्रिक्स है। अब देखो मेरी तो फेवरेट ऑमेट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स है, पर लुक्स में मुझे जो ऑमेट्रिक्स पसंद है वो एलियन फोर्स वाली ऑमेट्रिक्स, मतलब दोनों कंबाइंड करके जो ऑमेट्रिक्स लिख लिए वो नंबर 1 वाली ऑमेट्रिक्स हमारी बेन 10,000 की अल्टीमेट्रिक्स। तो खैर हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें कर लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। और जिन भी लोगों को ऑमनिवर्स वाली ऑमेट्रिक्स रिलेटेड फैक्ट जानना है, स्क्रीन में डिस्प्ले हो ही रहा होगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करके ऑमनिवर्स वाली ऑमेट्रिक्स से रिलेटेड जितने फैक्ट है वो सारे आप लोग जाकर देख सकते हो। और वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ऑमनिवर्स वाली ऑमेट्रिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो बाय बाय गाइस।